हे नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द बिग बुल 420 पर। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम डेली अपने चैनल पे एक मार्केट एनालिसिस का वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें कल मार्केट किन लेवल्स पर अच्छा मूवमेंट दे सकता है और साथ ही साथ आज के मार्केट में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली और आज का मार्केट हम किस तरह एनालिसिस कर सकते थे या आज के मार्केट में हम कहाँ ट्रेड बना सकते थे। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिल जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है एक काफ़ी मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके यहाँ कंसोलिडेशन करके नीचे उतर रहा है। तो हो सकता है मार्केट में आपको थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है या मार्केट और नीचे ज्यादा दिख सकता है, समथिंग 34,318 के लेवल तक और उससे नीचे और जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि बैंक निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जो हमें शुक्रवार को मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो शुक्रवार का मार्केट था, एक काफी अच्छी बियरिश कैंडल से ओपन हुआ, देन मार्केट नीचे गया और जो है हमें एक यहाँ से पुल बैक देखने को मिला। मार्केट में शुरुआत की कम से कम 5 से 6 कैंडल्स को हमें एनालिसिस करना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट में शुरुआत में एक अच्छा मूवमेंट मिला, देन मार्केट वापस सिकुड़ता गया। एक जो है यहाँ देखे आप, मार्केट हमारी एक जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करी इसने, यहाँ आप सेमेट्रिकल ट्रेंगल बन रहा था और हमें अपना जो है सेमेट्रिकल ट्रेंगल, जो हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन है या जो हमारी ऊपर की ट्रेंड लाइन होती है, इन दोनों में से किसी के ब्रेकआउट का इंतजार करना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो है सेमेट्रिकल ट्रेंगल का ब्रेकआउट मिला, हमें इस कैंडल पर अपनी एंट्री लेनी होती है, देन जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, अगर हमारी एंट्री यहाँ रहती है तो हमारा सेमेट्रिकल में स्टॉप लॉस काफी छोटा बनता है जो है इसका ऊपर का हाई, देन हमारा टारगेट समथिंग इतना ही होता है जहां से रैली चालू हुई है और उसके साथ हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करना होता है। देन आप यहां देख सकते हैं मार्केट यहां आने के बाद वापस से एक रिवर्स रिवर्सल हुआ और एक प्राइस चैनल बनाया ऊपर की ओर, और यहां देख सकते हैं वापस यहां इसका ब्रेकआउट मिला। इसके ब्रेकआउट पे भी हमारी ट्रेड बना सकते हैं हम अपनी एक काफी अच्छी ट्रेड। मार्केट यहां से भी काफी अच्छा नीचे गया, देन यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक दिया, एक स्विंग हाई बनाया। हम अगर आपने अगर हमारे पुराने चार्ट पैटर्न्स के वीडियो देखे हो तो आपको पता है कि अगर मार्केट में एक स्विंग हाई आता है तो हम उस पर एक नेक लाइन खींच सकते हैं और मार्केट यहाँ से वापस नीचे गया। नीचे जाने के बाद मार्केट ने एक सेकंड बॉटम बनाया, देन वापस जो है हमारी नेक लाइन का ब्रेकआउट करा। हमारी नेक लाइन के ब्रेकआउट पर हमारी एंट्री होती है, देन मार्केट हमें उतना ही जाता दिखता है जहाँ से ये कि डाउन ट्रेंड जो था चला था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न बना और मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गया। खैर दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं मार्केट हमें कल क्या मूवमेंट दे सकता है, कल मीन्स मंडे को। तो एक बार मैं सारी ड्रॉइंग्स रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में मार्केट जो है हमारा जो एक रेजिस्टेंस है समथिंग 35,616 का यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट इससे हमें ब्रेकआउट देता हुआ दिखता है मंडे को तो हो सकता है मार्केट में आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिल जाए और उसी के साथ जो हमारा एक नीचे सपोर्ट बन रहा है तो उसी के साथ हमारा जो सपोर्ट बन रहा है यह भी काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने इसे यहाँ रिस्पेक्ट दी, यहाँ से टूटा तो मार्केट बहुत नीचे गया, यहाँ मार्केट इसे टच करके नीचे गया, तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो सपोर्ट है यह भी काफी रिस्पेक्टिव है। तो दोस्तों, मार्केट जो है 35,616 और 35,331 के बीच में रहता है तो हमें हो सकता है ट्रेड अवॉइड कर दें। उसी के साथ अगर मार्केट जो है समथिंग यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग देता है
देन मार्केट नीचे जाता है और जो हमारी एक सपोर्ट लाइन है 35,331 इसका ब्रेकआउट मिलता है और एक रिटेस्ट पर हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। उसी के साथ सेम अगर मार्केट गैप अप खुलता है देन यही कंसोलिडेट करता है 35,616 पे और इसका ब्रेकआउट करता है हमारे जो ऊपर का रेजिस्टेंस है तो हम एक कॉल में एंट्री बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो निफ्टी है उसके बारे में। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें काफी अच्छा डिसेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न बनता दिख रहा है। हालांकि इसका हमें एक फेक ब्रेकआउट मिला था इसीलिए आपको कहा जाता है कि मार्केट में कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत जरूरी होती है। इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है लेकिन हमें इसका रिटेस्ट का वेट करना होगा। उसी के साथ जो है हमारा जो 17,235 का जो लेवल है यह भी काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट काफी रिस्पेक्ट ले रहा है बार बार तो अगर हमें इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर मिलता है तो हमें काफी अच्छी कॉल में जा सकते हैं। उसी के साथ जो हमारे नीचे आप देख सकते हैं एक डिमांड जोन है अगर हमें अपने डिमांड जोन का भी ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक फुट में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। जो हमारा पहला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस का। इसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छा हमें एक असेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न बनता दिख रहा है। मार्केट ऊपर जो सप्लाई जोन उससे बार बार नीचे आ रहा है देन हमारी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ट्रेंड लाइन को फॉलो करके वापस पुल बैक देके ऊपर जा रहा है तो हो सकता है इसमें आपको तेजी देखने को मिल जाए। और जो मार्केट है हमारा जो एक सप्लाई जोन है समथिंग 7,076 का इसका ब्रेकआउट अगर हमें ऊपर की ओर दे देता है तो हमें एक मार्केट में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे अगले जो स्टॉक है उसके बारे में। अगला स्टॉक है हमारा निफ्टी फार्मा। इसमें भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा असेंडिंग ट्रेंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है और मार्केट जो हमारी ट्रेंड लाइन और साथ ही साथ जो हमारा सप्लाई जोन है उसको बहुत ज्यादा ही अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे गिरा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो हो सकता है मार्केट अगर हमारा जो ऊपर का सप्लाई जोन है इसका ब्रेकआउट कर दे तो आपको निफ्टी फार्मा में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है हमारा चोलाफिन। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस चैनल बन रहा है अप ट्रेंड का प्राइस चैनल बन रहा है तो इसमें हो सकता है मार्केट जो है हमारी नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दे दे और देन हमें मार्केट में एक काफी अच्छी भारी सेलिंग देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपने इस वीडियो से थोड़ी सी भी एनालिसिस सीखी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।